यही कारण था कि विभीषण ने कहा रावण को मारने के लिए कितनी बार रामचंद्र जी बाण मारते थे, एक सिर कटता था फिर जुड़ जाता था, 10 सिर कटते थे फिर जुड़ जाते थे, लेकिन जब वो विभीषण ने कहा कि वो ऐसा नहीं मरेगा, जब तक उसका अमृत भांड नहीं फूटेगा वह इस आपको मरेगा नहीं, और राम ने उस नाभि पर अमृत भांड को फोड़ा तब रावण नीचे गिर गया, ये हमारे पास कहा गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे को देवता प्रत्यक्ष होना या हमारे लोगों को सुख देना ही नहीं, हमारे शरीर को भी संजीवनी युक्त करना है। हम अगर जंगल में भी जाए सांप काटे भी तो उसका विष अपने ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, कोई विषधारी पर विष प्रयोग हुआ है तो हमारे पर विष प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपने चाणक्य के बाद जो अपनी इस कलयुग में देखें बहुत सारे लोगों को विष प्रदान करके मार दिया गया, हमारे ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई भी कार्य कर सकता है। तो उन लोगों में नो अस्त्र शस्त्र से मरते थे, अभी अगर आप हमारे शिशु महाराज उदय महाराज कहते हैं खड्गमाला स्तोत्र पढ़ो, क्या लिखा है, तुम्हारे को अस्त्र शस्त्रों का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा या कुछ करने से नहीं होगा, किस तरह से होगा, उसका क्या कारण है, उस पढ़ने में क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्तोत्र हमारे पास पड़े हुए हैं, आपको ये पढ़ने से अस्त्र शस्त्रों का प्रहार नहीं होगा, आपके ऊपर विष का प्रयोग नहीं होगा, आपके ऊपर आपके हाथ पैर नहीं टूटेंगे, टूटेंगे तो जुड़ जाएंगे, ये बहुत सारे लोगों ने कहा है। लेकिन इस ये क्रिया क्या है कि टूटे भी तो जुड़ भी जाए, इसकी क्रिया हमारे शरीर में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो हम इसको प्राप्त करने के बाद हम सुखी जीवन जी सकें। मैं बार बार कहता हूँ कष्ट आए नहीं आएंगे ये बात मैं नहीं कहता, लेकिन कष्ट को सहने की शक्ति हमारे में आए, हम एक श्रेष्ठ जीवन जी सके, हम तपस्या कर सके। तपस्या करते समय हमारे पास बहुत सारे साधक ऐसे हुए, गुरु जी मैं साधना को बैठा हूँ बहुत सर दर्द दे रहा था, गुरु जी साधना को बैठा मेरे को बुखार आ गया। अरे क्या खाक साधना करेगा, बुखार आया ये आया ये बोलते बोलते ही जीवन, गुरु जी बीवी ने बुलाया है, बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, ये सारी कहानियाँ साधना करते समय सुनाते हैं, एक तो दरिद्रता दूसरे बात पैसों के कारण, ये सारी चीज़ें कब नहीं होती, अगर आपका शरीर संजीवनी युक्त हो तो आप सौभाग्यवान कहलाए जाएंगे, आप सौभाग्यवान, आपके पास सौभाग्य, सौभाग्य का मतलब क्या होता है, सौ प्रकार की सुविधाएं, सौ प्रकार की श्रेष्ठताएं आप में हो और आप उसके प्राप्त करो तो आप जीवन में एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। इस संजीवनी प्रक्रिया को किस जीवनी को कहा गया है, संजीवनी, ऐसा जीवन जो संवारा हुआ हो उसे संजीवनी जीवन कहा गया है। और इस संजीवनी इस संवारे हुए जीवन को किस तरह हम प्राप्त करें, तो इस युग में तो कल युग में केवल गुरु कृपा के सिवाय नहीं होता, उस युग में भी वही हुआ, आज के युग में भी वही हुआ और अगले युग में भी यही होता है। अगर आप अपने आपके गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, आपके गुरु के प्रति आपके पास समर्पण है तो आपके जीवन में कुछ भी कठिनाई आए और आपने गुरु को कह दिया कि गुरु जी मेरे को ये कठिनाई है, तो गुरु जी देख लेता है कि तुम्हारा जीवन किस तरह संवारे। मेरे साथ मेरे पास आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हड्डी टूटी, बुखार आया, पेट दर्द दिया, गुरुजी पेट दर्द दे रहा है, फ़ोन करते हैं, मैं कहता हूँ मैं देख लेता हूँ तुम्हारा फ़ोटो भेज दो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। और आप देख लेने की बात आप सभी को पता है मैं क्या देखता हूँ, अगर मैं यहाँ गुरु बैठा हूँ, मेरे गुरु ने मुझे कुछ विद्या सिखाई है, तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे वाक्सर के शिष्य तो बहुत सारे हैं और वाक्सर वहाँ से फ़ोन कर देते हैं, गुरु जी इसका पेट दर्द दे रहा है, इसको सर दर्द दे रहा है, उसके हार्ट टूटी, उसको एक्सीडेंट हुआ, और मैं कहता हूँ कि उन्हें गुरु जी फोटो भेज दो वाक्सर, मैं उनको देख लेता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या देख लेता हूँ, हमारी चेतना यहाँ बैठी है, हर बार बैठ के कहती है यहाँ एक मंत्र नहीं करते, एक वो जड़ी नहीं देते, बूटी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, फोटो भेज दो फोटो भेज दो, फोटो देख के क्या करेंगे। मैं बोला तो उसको पूछ जो फोटो भेजा है मैंने क्या किया है प्रक्रिया, फोटो भेजने के बाद वो लोग कहते हैं कि दूसरे दिन वहाँ से आया गुरु जी अच्छे हैं, अब वो इस परेशानी में रहते हैं, हमारी पद्मजा भी कहते हैं फोटो पंपिंची जाए जेब लॉन्च कुंटर एम जस्तर अंडी बोली, बहुत बार बोली फोटो भेज देते हैं जेब में रख लेते हैं गुरु जी क्या प्रक्रिया करते हैं। अरे तुम्हें क्या करना, प्रक्रिया को मैंने फोटो को छुआ, जो भी हुआ हुआ, हुई प्रक्रिया, ये बात अलग, अब इनको क्या बताऊं कि मैं क्या प्रक्रिया कर रहा हूं। मैं एक बात कह सकता हूं, अगर मैंने मेरे गुरु कृपा प्राप्त की है और उस संजीवनी युक्त गुरु ने मुझे छुआ है तो मेरे जीवन में भी संजीवनी आई है, और मैं बहुत लोगों को आप में से मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वहाँ सौ से अधिक लोग मेरे को उनकी कुछ भी परेशानी सुनने के बाद मैं कहता हूँ तुम्हारा फोटो भेज दो मैं देख लेता हूँ। हमारी शोभा हरडे जी है, उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, गुरुजी बहुत परेशान होकर फ़ोन कर दी, गुरुजी मेरा बच्चा पाँव टूटा है, मैं देख लेता हूँ कोई चिंता की बात नहीं। फिर उसने दूसरे तीसरे दिन फ़ोन किया, गुरुजी बहुत वो अच्छे हैं, मैं क्या किया हूँ, क्या क्या कोई दवाई दिया, कोई वहाँ से बात करा, उन बच्चे से बात भी नहीं किया और उनके फोटो खींचने से काम हो गया। तो इसके पीछे क्या रहस्य है,
मैं चाहता हूं कि आप ऐसे बने, योग्य गुरु के साथ आपने ऐसी क्रिया हो, कम से कम आप आपके परिवार के सुख दुख को देख सकें, आपके परिवार की क्रिया को आप कर सकें। इसके पीछे कौन सी ऐसी साधना है जो गुरु कृपा है, गुरु जी आपको इस श्रेष्ठता को प्रदान कर सकते हैं। ये बात आपको करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो संजीवनी विद्या को, जो शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के नाम से कहा दिया था मंत्र, योगिनियों को किस तरह बुलाया जाए, संजीवनी विद्या को किस तरह बुलाया जाए। आप सब लोग देखते हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने आप को जीने के लिए रोज तरसते हैं कि कैसे जिया जाए। कभी पत्नी गाली देती है, कभी बच्चे हैं, कभी व्यापार है, नौकरी जा रही है, कभी ये है, कभी वो, ये सारी चीज़ें हैं। मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि जीवन का इतना काल मैंने निकाला है, इधर तो ये सारा काम हो रहा था, ये बांध रहे थे, ये जो दीवार बांधी गई, उधर रूम बांधे गए, इधर रूम बांधे गए, वो सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही, फिर भी मैंने इन 7 दिनों में कहा कि हमारे पुणे के देशमुख हैं जो यहाँ 10-15 दिन से यहीं पड़े हुए हैं, मेरे पास रहे हैं, मैं देशमुख का उपयोग करना चाह रहा था कि किस तरह करूँ। मैंने देशमुख जी से, हमारे सुचिंद्रा और LIC के श्रीनिवास हैं, उनको मैंने कहा कि तुम, मैं जो जड़ी बूटी कहता हूँ वो तुम लेके आओ, जड़ी बूटी लेके आओ, मैं एक भारत की प्रक्रिया करना चाहता हूँ जिसके कारण मैं इस लोगों को ये बता सकूँ कि आज भी वो बुटीका निर्माण कर सकते हैं जो संजीवनी के युक्त हो, और उस संजीवनी के युक्त हो गुटिकाओं को अगर हम धारण करके रखें तो हम संजीवनी को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक बात कहूं, मैं ये विद्या देनी नहीं चाहिए साधारण मनुष्य को। अब देखो प्रकृति अपना प्रभाव शुरू कर दिया है, इसलिए कि विद्या मत दो, और मैं चाहता हूं कि विद्या दूं ताकि आप वर्षा से परेशान हो जाएं और इस विद्या को प्राप्त न करें, विद्या को मत दे ऐसा कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मेरी गुरु कृपा से गुरुचरणों में साष्टांग दंडवत करता हूं कि मैं विद्या दूंगा, ये विद्या जरूर दूंगा, प्रकृति तुझे कायदे तांडव करना है कर ले, मैं उसे प्रार्थना करूंगा ही करूंगा और आपको देने की क्रिया करूंगा। तो देशमुख आज 8 दिन से मेरे पास, एक हरियाणा की कन्या है और एक कहीं UP से आई हुई है, उन दो मध्य प्रदेश से आई हुई है, उन दो कन्याओं को बिठा कर मैंने उन सभी को उस प्रक्रिया को घोटने की प्रक्रिया करवाया। मैंने उनका नाम नहीं पूछा लेकिन बहुत मेहनत, उन दोनों लड़कियों ने आज आश्रम में सेवा की इस महीना भर में, और उनके हाथ से वो जो क्रिया करके घोटने लगाया। मैं चाहता हूँ कि कायाकल्प की क्रिया को किस तरह करें। हम कहते हैं, आप भी कहते हैं, हाँ थोड़े लोग मेरे पास हैं, हमारे त्रिपाठी जैसे लोग हैं, फिर मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता, मैं कोई वो यंत्र नहीं पहनता, मत पहन। अरे यार, शिव जी रुद्राक्ष पहनते हैं, कृष्ण कौस्तुभ मणि पहनते हैं, रामचंद्र जी रुद्राक्ष पहनते हैं, लक्ष्मण जी पहनते हैं, देवी अपने ऊपर मणियों की मालाएं डालती है, तुम नहीं पहनो तो 1000 साल जीने के 100 साल जियेंगे और वो देवता 1000 साल जी रहे हैं। ये क्यों दिया जाता है, इस क्रिया को क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि आपके ऊपर एक मणि हो तो किसी देवता की शक्ति नहीं कि आपको कुछ बिगाड़ सके, किसी प्रकृति की शक्ति नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ सके, इसलिए वो इसी मणि। कृष्ण भी जब कौस्तुभ मणि पहनते हैं तो आपको पहनने में क्या है, आपको लेने में क्या है? लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं और ये कहते हैं कि हम माला नहीं पहनते, हम यंत्र नहीं पहनते, हम अंगूठी नहीं पहनते। मत पहनो, मार्ग बताना मेरा काम है, पहनो ना पहनो आपकी इच्छा, आप पहनेंगे तो आप उसका लाभ अनुभव करेंगे, नहीं पहनेंगे तो लाभ अनुभव नहीं करेंगे। मैंने इस 7 दिनों में देशमुख से ये बात कहकर मैंने वो प्रक्रिया की है कि मैंने कौस्तुभ मणि को, जो शास्त्रों में कहा गया है, उस कौस्तुभ मणि को मैं तैयार करूंगा और उस कौस्तुभ मणि को मैं आपके सामने बताऊंगा। जिसने उस कौस्तुभ मणि को अपने हाथ में धारण करके शक्तिपात दीक्षा दी, उसके शरीर में भी संजीवनी प्रक्रिया हो सकती है, ऐसा कहा गया है। और मैं 8 दिन से वो प्रक्रिया में जुटा हुआ हूँ। यहाँ ओम जी बैठे हुए हैं जो देशमुख के साथ है, वो भी उसमें बहुत मेहनत कर चुके हैं और मेहनत चल रही है। मैं अगर हो सके तो उस गुटिका का कल आपके सामने प्रदर्शन भी करूँगा कि वो गुटिका मैंने बनाई है जिसे भगवान श्री कृष्ण पहना करते थे। और ये अगर बात सच है तो मैं इतना ही बात ज़रूर कहता हूँ, अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हैं, मेरे गुरु पर विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन में भी ऐसे संकट नहीं आने दूंगा, आपके शरीर का भी कायाकल्प करूंगा, जो मैं कहना चाहता हूं। मैं उस संजीवनी प्रक्रिया को मैं आपके साथ करवाना चाहता हूं।
जो गुरु कृपा से प्राप्त होती है, जो गुरु कृपा की एक विशिष्ट साधना है, विशिष्ट क्रिया है। मैं उस गुरु तत्व की साधना को, जिसने गुरु को अपने मन से प्रार्थना किए, और ये जो द्रोणाचार्य थे, अपने भीष्म पितामह थे, अपने गुरु के पास जब गए तो उन्होंने उतने ही उत्कंठा के साथ उनसे प्रार्थना की और कहा कि हमें इच्छा मृत्यु प्रदान करो, हम चिरंजीवी बन के रहे, हम हमारा शरीर सुदृढ़ रहे, हम चार लोगों का उपयोग कर सके। ऐसा जब उन्होंने प्रार्थना की तो उनके गुरु ने जो दीक्षा दी, उस दीक्षा के कारण वे लोग, हमने कभी सुना है क्या हनुमान जी को बुखार आया, हमने कभी सुना है रामचंद्र जी को बुखार आया, कभी पूरा रामायण पढ़े, हमें कभी सुना है कि भीष्म बुखार से गिर गए थे, कभी कृष्ण बुखार से गिर, कभी सुना है। फिर वो लोग भी इस संसार में जंगलों में रहे, हर प्राणी में रहे, जंगलों में नदी के किनारे रहे, 16,000 पत्नियों के साथ, 16,000 गोपिकाओं के साथ, उनको बीमारी नहीं हुई, हम एक पत्नी के साथ रह के बीमार है, सरदर्दी हो जाती, एक पति के साथ रहकर पत्नी बीमार है, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि हमारे में वो विद्या नहीं है, हमारे में वो, हाँ कहते हैं कि गुरु माता पिता से बहुत, मेरी पत्नी कहती है कि माता पिता से दूर रहो, क्यों भाई? 10 लोगों को अगर आप सहायता करने की शक्ति नहीं है तो आप ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? वही आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो आपकी माता पिता, आपकी भाई बहन सब लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपको 1 करोड़ रुपया कमाने की उस ताकत, वो जो विधान है वो आपको नहीं आता, और वो विधान कब आएगा? जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप में उस चीज़ की एक श्रेष्ठता आपके पास होगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आप हर काम कर सकेंगे, तब ऐसी क्रिया कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो संजीवनी प्रक्रिया जो गुरु तत्व से परिपूरित है, वो साधना मैं आपको कल सुबह 8 बजे दूंगा। अभी आपको, आप सभी को मैंने ये सुबह जैसा कहा है, जो लोग सुबह के 5 माला किए हैं उनको शक्तिपात दीक्षा देता हूँ, वो लोग लाइन लगा कर आ जाए। जैसे मैंने सुबह कहा है, स्त्रियाँ अलग और पुरुष अलग, जिन्होंने 5 माला अपने उस यंत्र के साथ रहकर आए हैं, वो लोग लाइन बनाए, मैं दीक्षा देता हूँ।